हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विक्की विद्रोही। सबसे पहले आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद मेरे पिछले वीडियो को देखने के लिए, जिसमें मैंने कुछ तथ्य सामने रखे थे कि आखिर सुशांत सिंह राजपूत के मौत के पीछे जिम्मेदार कौन। बहुत सारे भाइयों ने कमेंट करके पूछा कि आप पॉलिटिकली इतना करेक्ट क्यों होना चाहते हो, क्या आप डरते हो किसी से। ये वीडियो स्पेशली उन दोस्तों के लिए कि भाई मैं ना तो किसी से डरता हूँ, ना ही मेरा कोई पॉलिटिकल या फिर बॉलीवुड का बैकग्राउंड रहा है। बाकी रही बात आपके सवालों के जवाब का, तो ये वीडियो पूरा देख लेना और जितनी जल्दी हो सके सबके साथ शेयर कर देना, क्योंकि इससे पहले की वीडियो जो सुशांत सिंह के ऊपर ही थी मैंने डाली थी और वो विद इन 1 आवर डिलीट कर दी गई थी। क्यों कैसे पता नहीं, उसके लिए मैंने अलग से कंप्लेन रेज कर रखा है। और कितने वीडियो डिलीट करोगे भाई, जो सच्चाई है वो पब्लिक के पास कैसे भी करके पहुंच ही जाएगा। सबसे पहले तो आपको स्क्रीन पे 2 इमेज दिख रहा होगा, जिसमें पहला है जिस दिन सुशांत ने सुसाइड किया था, सुशांत का मर्डर हुआ था। ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जो प्रूफ्स एंड एविडेंस मिले हैं अभी तक वो काफी है इसको मर्डर साबित करने के लिए। तो फर्स्ट इमेज में आपको दिख रहा होगा कि सुशांत ने 6731 लोगों को फॉलो किया हुआ है। वहीं दूसरी इमेज में आप देख रहे होंगे कि ये घट के 6696 हो गया, जो कि 3 दिन पहले की है ये इमेज। मुझे ये नहीं समझ आ रहा है कि जो बंदा इस दुनिया में नहीं है वो विद इन फ्यू डेज 35 लोगों को अनफॉलो कर देगा। क्या कोई और है जो सुशांत का हैंडल यूज कर रहा है, चाहे वो ट्विटर हो, इंस्टा हो, फेसबुक हो, क्या कोई और यूज कर रहा है। यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी बन रही है कि इन 35 लोगों ने अपना अकाउंट डिलीट कर दिया होगा। लेकिन सोचने वाली बात ये है कि सुशांत के मरने के कुछ दिनों बाद ही इन 35 लोगों ने सबके सब एक साथ सारे लोगों ने मिलके एक ही समय पे अपना अकाउंट डिलीट कर दिया। जी नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। दूसरी बात ये कि चलो मान लो मैंने सुसाइड करने की ठान ली, तो क्या मैं ये सोचूंगा कि मरते मरते यार मैं एक गेम खेल रहा था जिसके लेवल 99 पे था और कम से कम 100 लेवल कंप्लीट कर लेता हूं। दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत ने 9:34 पे PS गेम मॉडर्न कॉल ऑफ ड्यूटी खेला था, और ये इंफॉर्मेशन आप एप स्टोर का कोई सा भी गेम खेलते हो तो वहां से निकाली जा सकती है। तो दोस्तों, सुशांत ने 9:34 पे गेम खेला, उसके बाद जूस पिया और फिर जाके आराम से सुसाइड कर लिया। अच्छा, एक बात और, जब आप सुशांत के लेटेस्ट फोटो जो उन्होंने इंस्टा पे डाला था उस पे जब आप कमेंट करोगे वी वांट CBI इंक्वायरी, तो वो कमेंट डिलीट किया जा रहा है। कौन डिलीट कर रहा है भाई। चलो एक सेकंड के लिए मान लेते हैं कि सुशांत के ऊपर प्रेशर था, वो नेपोटिज्म का शिकार था। आप लोगों ने देखा होगा कि कैसे शाहरुख खान ने स्टेज पे सबके सामने बेइज्जती करी थी, शाहरुख खान कंटिन्यूसली धमकाए जा रहा था, करण जौहर ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी उसकी सारे मूवीज छीनने में, गोलियों की रासलीला, रामलीला, बाजीराव मस्तानी, फितूर, आशिकी 2, बेफिक्रे, हाफ गर्लफ्रेंड, अंधाधुन, कबीर सिंह और भी ना जाने कितनी मूवीज छीन ली गई थी सुशांत से। चलो यदि मान भी लो कि सुशांत ने सुसाइड किया, तो कुछ दिन पहले ही उसके एक्स मैनेजर ने क्यों सुसाइड किया, कुछ दिन पहले ही उसके 2 दोस्तों ने भी क्यों सुसाइड किया, मतलब टोटल 4 दोस्तों ने एक साथ सुसाइड किया, सुशांत, उसके एक्स मैनेजर और 2 दोस्तों ने। तो क्या ये एक सीरियल किलिंग मर्डर मिस्ट्री है। इतना ही नहीं, जिस कपड़े से फांसी लगाई गई थी वो एक सिल्क का कपड़ा था, कम से कम 70 से 75 kg के रहे होंगे सुशांत सिंह। अब यहाँ पे बहुत सारे सवाल सामने उत्पन्न हो रहे हैं। कुछ मीडिया एंड न्यूज चैनल के अकॉर्डिंग जिस कपड़े से फांसी लगाई गई थी उस पे सुशांत के सिर्फ लेफ्ट हैंड का ही फिंगरप्रिंट पाया गया है, जबकि सुशांत सिंह राजपूत राइट हैंडी थे। दूसरा,
दोस्तों आप एक क्रोनोलॉजी समझो, जिन लोगों को स्विमिंग आती है वो बेहतर इस एग्जाम्पल को समझ पाएंगे। क्या कभी आपने सुना है कि एक स्विमर ने सुसाइड करने का मन बनाया और पानी में डूब के जान दे दी? पॉसिबल ही नहीं है भाई। आप सुसाइड करने जाओगे भी ना तो जब अंतिम सांस होती है तो इंसान बाय डिफॉल्ट तैर के निकल आएगा। किसी ने आपको जला के मारना चाहा और बगल में पानी हो, नदी हो, तालाब हो, कुआं हो, तो बाय डिफॉल्ट वो पानी के अंदर चला जाएगा। तो भाइयों अब पॉइंट यहाँ पे ये है कि 6 फीट का हट्टा कट्टा सुशांत सिंह राजपूत, जो कि वेल ट्रेंड जिमनास्ट था और अपनी बॉडी का वेट इजिली अपलिफ्ट कर सकता था, तो उसने कोशिश नहीं करी होगी अपने आप को पंखे के सहारे बचाने की। तीसरा पॉइंट, आप जितने भी मेडिकल एंड पोस्टमार्टम एक्सपर्ट से पूछोगे तो इस तरह के केस में आंखें बाहर निकल आती हैं, जीभ बाहर को हो आती है, फेस का कलर चेंज हो जाता है। लेकिन यदि आप लोगों ने सुशांत के मरणोपरांत फोटो को देखा होगा तो नोटिस किया होगा कि ऐसा कुछ भी नहीं था। अब हम बात करते हैं सुशांत के गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती की। आखिर क्यों वो मरने से ठीक कुछ दिन पहले ही फ्लैट छोड़ के चली गई थी? जब पुलिस ने उससे पूछताछ की, जो कि करीब 9 घंटे तक चली थी, तो उसने बताया कि सुशांत के साथ रहने वाले फ्लैटमेट सिद्धार्थ पिटाई की वजह से परेशान होके वो चली गई। जबकि हर जगह जहां भी वो पोस्ट करती थी सिद्धार्थ पिटाई को टैग करना नहीं भूलती थी। चौथा पॉइंट, जो फ्लैट की मिसिंग की थी वो अभी तक क्यों नहीं मिली? मान लीजिए आप अपने फ्लैट को अनलॉक करके घर के अंदर आए, कहीं पर की रख दी, तो वो कहीं ना कहीं तो होगी भाई, घर में ही होगी ना। या फिर हम ये मान ले कि सुशांत ने मरने से पहले चाबी को ले जाकर कहीं दूर सड़क पे फेंक के आ गए और अंदर आके सुसाइड कर ली। यही नहीं भाइयों, सुशांत के घर में जो और लोग थे जैसे नौकर था, इन लोगों ने पुलिस को क्यों नहीं बताया? मतलब जब चाबी नहीं मिली तो इन लोगों ने दरवाजा खटखटाया, मोबाइल पे फोन किया, चाबी बनाने वाले को बुलाया, उसने डुप्लीकेट चाबी बनाई, मतलब अंदर से सुशांत रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे और ये लोग आराम से डुप्लीकेट चाबी बनवाने के लिए लगे हुए हैं 2.5 घंटे तक, जब तक कि सुशांत की बहन नहीं आ गई। इन लोगों ने इतना भी नहीं सोचा कि पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया जाए। आराम से ये लोग चाबी बनवा के अंदर गए, पंखे से लटकते हुए लाश को नीचे उतारा और बहन के आते ही फिर पुलिस को इन्फॉर्म किया। वाह, हद है। इन सारी बातों से हटके सुशांत के पास कोई रीजन नहीं था यार सुसाइड करने का। वो बंदा खुल के सारे इंटरव्यूज में बोलता था कि मुझे फिल्म नहीं मिलेगी कोई बात नहीं, मैं शॉर्ट मूवी कर लूंगा, मैं एक कैमरा खरीदूंगा, शॉर्ट मूवी कर लूंगा, मुझे नहीं चाहिए मूवीज। चांद पे जमीन ली थी भाई ने, और सब कुछ छोड़ो यारो, राजपुताना अबे भूल गए या फिर से याद दिलाऊं? महाराणा प्रताप को भूल गए क्या? घास की रोटी खा ली थी लेकिन बंदे ने हिम्मत नहीं आ रही थी, तो राजपुताना यही चीज होता है। इतनी जल्दी कैसे हिम्मत हार ली उसने? तो भाई राजपुताना का मेंटल लेवल ना यही होता है। अब दोस्तों यदि आप ये पूछोगे कि फाइनल कंक्लूजन क्या है, तो मेरे अकॉर्डिंग इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए जो फाइनल वर्डिक्ट बोलो आप या कंक्लूजन बोलो, वो ये है कि कहीं ना कहीं जो मेन रीजन है उसको डाइल्यूट किया जा रहा है, लोगों को मुद्दे से भटकाया जा रहा है। बिना पोस्टमार्टम, बिना इन्वेस्टिगेशन मीडिया इसे डिप्रेशन और सुसाइड प्रूव करने पे लगी हुई थी, लेकिन फैक्ट ये है कि ये क्लियरली मर्डर है, प्री प्लान मर्डर है। बिना नाम लिए मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि इसमें 1 फीमेल और 3 मेल इन्वॉल्व है, बाकी आप लोग खुद समझदार हो। ये एक प्री प्लान मर्डर है, चारों लोगों ने मिल के मारा है सुशांत को और फिर पंखे से लटका के ये सारी कहानी बुनने की कोशिश करी गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से भी कहीं ना कहीं छेड़छाड़ की गई है, और यार मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि सीबीआई किस चीज का वेट कर रही है। सीबीआई क्या नेताओं के घर का भैंस ढूंढने तक ही सीमित होके रह गई है? हैशटैग
वी वांट जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत। इस वीडियो पे जितना हो सके ये हैशटैग यूज कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए एंड ट्राई टू मैक्सिमाइज द ऑडियंस एज मच एज पॉसिबल। मैं फिर से बता रहा हूँ, जिस तरीके से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से सुशांत सिंह राजपूत से रिलेटेड वीडियोस को डिलीट किया जा रहा है, मुझे नहीं पता ये वीडियो कितनी देर तक यूट्यूब पर रहेगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों के पास पहुंचाओ आप लोग शेयर करके, ताकि सारे लोगों को फैक्ट पता चले। और कमेंट करके आप ज़रूर बताएं कि आप क्या सोचते हैं, ये सुसाइड है या एक प्री प्लान मर्डर, और हम सुशांत और उसकी फैमिली को जस्टिस दिलाने के लिए और क्या क्या कर सकते हैं। स्टे ट्यून दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ स्क्रीन पे दिख रहे लिंक पे क्लिक करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के पास ईजिली पहुँच सके। तब तक के लिए थैंक यू।